देवरहा बाबा का जन्म अज्ञात है यहां तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है वह यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनीय बाबा के जन्म के बारे में संशय है कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जीवित रहे थे बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं कुंभ कैंपस में संगम तट पर धुने रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने मचान बॉक्स में रहते थे वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं राजनेता फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके शरण में रहते थे हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवरहा बाबा पड़ा पूजनीय देवरहा बाबा जी ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल एक छोटा शहर से लगभग एक कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म, कर्म करने लगे देवरहा बाबा परम राम भक्त थे देवरहा बाबा के मुख में सदाराम नाम का वास था वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे वो सरयू के किनारे रहा करते थे उनका कहना था एक लकड़ी हृदय को मानो दूसर राम नाम पहचानो राम नाम नित उर्पे मारो ब्रह्मा दिखे संशय न जानो देवरहा बाबा जनसेवा तथा गोसेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा गोमाता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे देवरहा बाबा श्रीराम और श्रीकृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते बाबा थे बाबा कहते थे जीवन को पवित्र बनाए बिना ईमानदारी सात्विकता सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती अत सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो वे प्राय गंगा या यमुना तट पर बनी घासपूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वे सदमार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे वे कहते इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्रीकृष्ण ने अवतार लिया है यह देवभूमि है इसकी सेवा रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है प्रयागराज में सन उन्नीस नवासी में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा गोसेवा के बिना संभव नहीं होगी गोहत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठयोग की दसों मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया वे ध्यान योग नाद योग लय योग प्राणायाम त्राटक ध्यान धारणा समाधि आदि की साधन पद्धतियों का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे बाबा ने भगवान श्रीकृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर चार वर्ष तक साधना की सन 1990 की योगिनी एकादशी उन्नीस जून के पावन दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया बहुत ही कम समय में देवरहा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल जन समूह उमड़ने लगा तथा बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ ज्ञान की बातें बताने लगे बाबा का जीवन सादा और एकदम सन्यासी था बाबा भोर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते थे और मचान पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते और ज्ञान लाभ कराते थे कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते थे गंगा यमुना के तट पर उनका मंच लगता था वह एक से एक महीने दोनों के किनारे रहते थे जमीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर बैठकर वह लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे